किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ अनम एग्रीकल्चर के अंदर। और ये जो फर्म पड़ती है ये बड़ौदा में पड़ती है, अनम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के नाम से है। यहाँ पे थ्रेसर बनाने का काफ़ी बड़ा कारखाना है। यहाँ पे जो ये थ्रेसर देख रहे हैं ये सारी थ्रेसर यहीं पे बनाई गई है। तो हम बात करेंगे ये जो थ्रेसर है इनके अंदर कौन सी चादर लगाई जाती है, कौन सा गियर बक्सा होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, ये सारी बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और हमसे जुड़ेंगे जो अनम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के जो मालिक है वो हमसे जुड़ेंगे और इन थ्रेसरों के बारे में बताएंगे। किसान भी हैं जो ये थ्रेसर बनवाने के लिए यहाँ पे आए, वो भी हमसे जुड़ेंगे और उनका भी हम आपको रिव्यू देने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को, क्या आपकी फर्म का नाम है? अपने फर्म का नाम आना मैं एग्रीकल्चर जी बड़ौदा में। कितने सालों से आप किसानों के लिए थ्रेसर बनाने का काम कर रहे हैं? बेचने का तो काम काफी दिनों से पुराने का जी। ग्राहक भी मजबूत जुड़े हुए हैं जी। अब उन ग्राहकों की डिमांड थी कि आप नई बनाओ जी, तो अब नया मशीन बनाना चालू कर दिया आपने। हाँ। तो कहाँ कहाँ तक के किसान लेके जाते हैं आपकी मशीन? MP कर्नाटक, MP महाराष्ट्र, राजस्थान, UP, हरियाणा, सब जगह के। तो सब जगह के किसान आते हैं। तो आपकी जो थ्रेसर है वो क्या कुछ स्पेशल थ्रेसर है, उसके बारे में हमें हमारे किसानों को बताइए। कटर की यहाँ की बड़ौदा रामगढ़ से कुछ हटके है। सेम मनोहरपुर बूथ मॉडल मनोहर, उसमें बेट वही सामान है। तो आप थोड़ा सा बताइए आपकी जो थ्रेसर है, ये जो थ्रेसर खड़ी है इसी के बारे में बताइए। इसमें आप बेल्ट है ओरिजिनल दे रहे हैं? अच्छा, ये वाली जो बेल्ट मजबूत दे रहे हैं, बिजाक का चेस दे रहे हैं जी। और ये जो तीन जुट्टे की पुली है सभी दे रहे हैं इनको तो जी। अब ये भी हल्की भारी आते है, इसका वेट ज्यादा है। अच्छा, इसका वेट ज्यादा है। व्हील का ये वो जाला वाला व्हील है, खाली नाम का अंतर है, उतना ही वेट आएगा। हाँ, 200 किलो के समथिंग। 200 किलो। हाँ। ये MS का है, कास्टिंग का है? MS का है। इसके अंदर आपने जो चादर लगाई है कितने गेज की है? 10 गेज के पूरी मशीन में। पूरी मशीन में 10 गेज की। और चाकड़ की? चाकड़ 4 mm भी लगाते हैं, 5 भी लगा रहे हैं। 5 और 4 दोनों लगाते हैं, जैसी कोई डिमांड होती है उसी तरीके से। और इसमें आप इसके बारे में बताइए, इसका ड्रम साइज क्या है? इसे 9.5, 31, 9.30 में भी दे रहे, सेम वही दे रहे जो आजकल जाला मॉडल चल रहा है भूत का जी। वही है जो जाला भूत, जो राजस्थान की प्रसिद्ध थ्रेसर है, बिल्कुल वही। इसका आप ये बताइए हेड साइज क्या है? इसमें इसका 13.5-14 का है। 13 और 14.5। इसमें अगर कोई कस्टमर बढ़ा के लेते तो बढ़ा के भी दे देते, यानी 14, 16, 18 का भी दे देते जैसा कोई बोलता है तो। इसमें आपने, मैंने देखा है कि ज्यादातर ढोल के अंदर लगाते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे लगा रखी है, रीजन क्या है? इससे है कि जो छोटा माल रहता है जैसे चने होते हैं, सोयाबीन होती है, तो यहाँ इस पर रखकर गल्ले आराम से जाता है जी, इसलिए आपने ये लगाई है। चलने की जो चाल है आपकी कुछ अलग ही स्पेशल दिख रही है। वही है, 60 इंची चलने जी, भारी चलनी में जी, फुल हैवी में। कितने जाले साथ में देते हैं इसके? 2 जाली अंदर देंगे, 1 जवारी साथ में देंगे जी। अगर एक्स्ट्रा लेंगे सब कुछ देंगे, पैसे लग जाएंगे, पैसे अलग से लगेंगे। ये बताइए इसकी फट्टे की लंबाई क्या रखी है आपने? लंबाई वही है जो 70 की, 69 की। टोटल जो मशीन है उसकी लंबाई क्या रखी है? इसकी है शायद 84 के, तो यहाँ से जी 106 की सापट है जी, 85 mm, 80 mm, 18, 18.5 फुट होगी आराम से। आराम से जी। कितने क्विंटल तक की बैठ जाती है लगभग? मशीन तैयार करते हैं जब 33 क्विंटल। 33 क्विंटल होने के बाद 29, 29.5 क्विंटल की बैठती है। अब चाहे कांटा कर सकता है? बिल्कुल, कांटा करा के लाए, कांटा करा के लेके आए हैं। तो ये जो मशीन है आप देख रहे किसान भाइयों, 29, 29.5 क्विंटल की बैठती है कंप्लीट करके ऑन रोड। और अब हम इनसे कीमत जानेंगे और किसानों का भी। इसमें अभी तो काफी चेंजिंग है ये जी, रिम एक्सल बहुत हैवी है इसका, रिम एक्सल। यहाँ आप देख रहे हैं कोई नहीं लगाता है, यहाँ मनोहरपुर से आती है स्पेशल, ये स्पेशल मनोहरपुर से आता है, यहाँ पे कोई नहीं लगाता इतना हैवी वाला जो रिम है। अंदर से भी आ जाओ, इधर से अंदर से पुछिए जो ये बैंड होकर 12 गेज में और 14 गेज में आते है ये वाली पुछी, 16 में देते है ये, और ये भी मजबूत है। ये कन्वेयर है काफी, मतलब बैंड होके आता है, वहीं से बैंड होके आता है। पिछले वाले जोन थे जी, ये कभी जीवन भर खराब नहीं हुए, जीवन बीमा समझे। ये मनोहरपुरा का ही है, सेम मनोहरपुरा का है, आप देख सकते हैं ये वाले मनोहरपुरा के। कितने स्पीड का गियर बक्सा है? 3 स्पीड का टिंकल का गियर है, 5 जॉइंट में, 5 जॉइंट में। और
वारंटी? वारंटी इसकी कंपनी के तरफ से आती है 1 साल की, और वो पूरी कंपनी में लिया हो पूरा वापसी गियर चेंज हो जाएगा। तो ये भूत मॉडल है और मनोहरपुरा मॉडल है? मनोहरपुर मॉडल से जी। तो ये आपका कारखाना है? आप एक बार जी, कटर हेल्पर पाइप पंखड़ी जी, देखो ये पंखड़ी इसकी NBC के ओरिजिनल बैरिंग डाल रहे हैं पूरे इसमें, पंखड़ियों में भी, वेरिएबल में भी, और पीटीओ सॉकेट में भी, सब में NBC ओरिजिनल बैरिंग है। बैरिंग वारंटी गारंटी फुल है? वारंटी 5 साल की फुल है, गारंटी वारंटी दोनों, कोई भी दिक्कत आ जाए हमारा मिस्त्री वहाँ पहुँचेगा जी, पूरा काम करके चला के देगा। तो ये वारंटी आपको कोई नहीं देगा जो ये वारंटी दे रहे हैं? पंखड़ी भी इसकी 4 mm की है, अंदर से जो पंखड़ी होती है जी, ये 10 साल तक खराब नहीं होंगी, घिसे पिटेंगे नहीं, कोई पंखा है जो नहीं, पंखा है जो अंदर जो पंखा है वो मजबूत दिया है इन्होंने। इधर आ जाओ जी, इसके अंदर आप ड्रम देख रहे हैं, ड्रम और ये कटर ड्रम के अंदर आप कटर हेल्पर देख रहे हैं, 4 इंची 3.5 इंची चौड़े आएंगे, 1.5 क्विंटल का समथिंग वेट आएगा इसके, बहुत हैवी है ये। और ये रूटर पत्ती 6 सूत में मिलेंगे, 6 सूत में रूटर पत्ती है, और लोग 5 सूत में देते हैं, 6 सूत 4 में 3.5 में मिल रही है जी, ये 6 सूत में है तो काफी हैवी है। मैंने इतना हैवी तो ये कटर हेल्पर कहीं नहीं देखा है, आपने ही लगाया यहाँ पे बड़ौदा के अंदर, नहीं तो छोटे छोटे कटर हेल्पर मिलते हैं तो काफी हैवी मशीन हो जाती है, और छोटी छोटी चीजों से ही जो मशीन है वो उसका वजन बढ़ता है, जैसे ये कटर हेल्पर हो गए, ये बड़े वाले हैं तो इससे वेट बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं फुट स्टेपर भी लगाया हुआ है। और बताइए रईस भाई, और बताइए आपकी थोड़ा सा कारखाने के बारे में बता दीजिए, आपकी मशीन तो बहुत अच्छी है। ये सीधे अभी मनोहरपुर जाए, कटर हेल्पर पूरा सेट अभी मंगाया जी, ये वाले कटर हेल्पर सारा सामान जो आ रहा है सब कुछ मनोहरपुर से, सब कुछ मनोहरपुर से, ये लेंथ मशीन वगैरह है सारा कुछ आप यहीं करते हैं, यहीं कटिंग वगैरह सारी चीज़ें यहीं बनाते हैं, सारा पूरा मशीन यहीं तैयार होता है, सारा कुछ यहीं तैयार करते हैं, ये जैसे साफ्ट वगैरह यहीं तैयार होती है, सारी साफ्ट वेरी वेल पुली वेरी वेल सब कुछ यहीं होता है, यहीं होता है, ये वेरी वेल तैयार किया, आपने तैयार किया भाई साहब? हाँ आप ही तैयार करते हैं, कोई वाइब्रेशन वगैरह की तो दिक्कत नहीं आती? सारे 10-10 साल 12-12 साल का एक्सपीरियंस है जी। तो आपका कारखाना तो काफी बड़ा है, ये डिब्बे तैयार हो रहे हैं, चेचिस काट रखा है, ये काफी कुछ है यहाँ पे जी। और आप देख रहे हैं अंदर तक इनका जो कारखाना है काफी बड़ा कारखाना है इनका, पीछे का चैनल भी काफी मजबूत दे रहे हैं, जो डबल कटर कहीं भी ले जा सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ठे भी कभी खराब नहीं होगी क्योंकि ओरिजिनल बिजात में से दे रहे हैं जी, क्योंकि टूट जाती है तो कस्टमर परेशान हो जाता है, काफी नुकसान होता है, घाटे का काम बहुत हो जाता है, तो ये सारे मजबूत दे रहे, खूंटे भी 10 गेज के दे रहे पूरे मजबूती के साथ, जो खराब नहीं होते। तो ये काफी बड़ा आपका कारखाना है, आप अपनी थ्रेसर के बारे में और बताइए, किसान है उनको मिलवाइए, इधर आते रहो, किसान भी सब जुड़ जाएंगे, किसान सारे वो है जो मनोहरपुर की चलाते हैं, वो अपने पास अपनी चॉइस की बनवा रहे हैं जी। अनम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के नाम से है इनका, ये नंबर भी है आप देख सकते हैं। और ये कटिंग वगैरह आप किससे करवाते हैं? लेजर से कट के आता है सारा माल अपना, लेजर से कट के आता है, अनबैलेंस तो मशीन ही नहीं रहेगी जी। ये आपका अंदर काफी सारा जो कच्चा माल है वो पड़ा हुआ है, चलने भी स्पेशल देंगे जी, बड़े देंगे, सेम भूत मॉडल है ये आपका ऑफिस है। तो चलिए हम आपको इनका ऑफिस दिखाते हैं और भैया से मुलाकात कराते हैं जी। जी भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भैया, अपना नाम क्या है? मेरा नाम रवि खान है, और आप सभी आपके यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर हैं व्यूवर्स हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और जितने देखने वाले हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी फर्म जो बड़ौदा में है अनम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जी, यहाँ पे पुरानी मशीनों को तो हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, और एक ग्राहकों का बहुत लंबे अरसे से विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी विश्वास को हमने देखते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए अब हमने नई मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी है। तो अब मेरा तो बस किसानों को एक ही कहना है कि यहाँ विश्वास करके आओगे तो आप विश्वास कभी तोड़ा नहीं जाएगा, जो माल का वादा किया है वो माल आपको दिया जाएगा, और मनोहरपुर से भी अच्छी गुणवत्ता वाली मशीन हम आपको उपलब्ध कराएंगे जी। ये थे रवि भैया, चलने देखो
जी ये चल रहे हैं बहुत हैवी मैच, हैवी मैच है, आपको अलवर भी नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलते अलवर, ये यहाँ गिरते 04 में 08 08 है, 08 है बताइए, इतना हैवी है 08 है, रोलर वगैरह सारी चीजें यहीं पे तैयार करते हैं, पंखड़ियों में आता ये बंगड़ लगाते हैं ना, ये चौड़ा है इससे पंखड़ी थर्राएगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये काफी कुछ है, तो आपके जो किसान है उनसे मिलाइएगा थोड़ा सा, ताकि उनका हम फीडबैक ले सके और आप बता सके कि आपकी जो मशीन है वो कैसी है। तो ये किसान है हमारे साथ में जी, नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं आप? सर हम पहाड़ी के पास में गादली गांव, गादली गांव में, आप ये बताएं कितने सालों से आप यहाँ पे थ्रेसर लेके जा रहे हैं, पुरानी थ्रेसर बनाते बेचते हैं ये पहले, आप नई थ्रेसर वगैरह? हम इनको 15-20 साल से जा रहे हैं, कम से कम लेके जा रहे हैं, हाँ पहले अभी स्टार्टिंग हुआ पहले भी ले रहे हैं। अच्छा पहले भी लेके, कैसी थ्रेसर आती है वैसे इनकी? एक नंबर, एक नंबर। तो यहाँ पे जब थ्रेसर बनवाई आपने तो और भी काफी यहाँ पे कारखाने हैं, क्या सोच के आपने ऑर्डर किया था यहाँ पे कि चलो? विश्वास है सर, हमने ये भूत मॉडल की है, भूत मॉडल है और अच्छी थ्रेसर बनाते हैं, हैवी ड्यूटी की हैवी। तो हमारे किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हम भी कहना चाह रहे हैं सर, किसान सभी यहीं बनवाए मशीन जी, अच्छी मशीन है, माल भी जेन्युइन है, माल भी जेन्युइन है, मॉडल है सेम जी, जो कहेंगे वो देंगे, जो कहेंगे वो देंगे, तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये किसान रहे सब से पता जी, जो कहते हैं वही मिलता है, सब जितने भी किसान यहाँ पे हैं सब यही कह रहे हैं, जो कह बोलते हैं वही मिलता है, झूठ साथ का काम नहीं है, फ्रॉड का झूठ साथ का काम नहीं है, जेनुइन काम है, जो भी किसान यहाँ पे आए हुए हैं सब यही कह रहे हैं कि जेनुइन काम यहाँ पे होता है, और आगे आगे देखिएगा काम को, ये इनकी जो मशीनें हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी की मशीन आपको मिलेगी, और ये जो मशीनें बनाते अलग ही होती है, वो जो मशीनें होती है उनका टेक्नोलॉजी तो मनोरपुरा की होती है, लेकिन उनके अंदर जो माल डाला जाता है वो हैवी ड्यूटी का होता है, चाहे वो चद्दर हो, चाहे वो उसके अंदर आपकी जाली हो, चाहे आपका हेड साइज हो, सब बढ़िया लगाते हैं यहाँ पे। जितने भी ग्राहक यहाँ पे आए हैं, जितने भी किसान भाई यहाँ पे आए हैं, सारे किसान भाई यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी मशीनें हैं, तो हम भी यही चाहेंगे किसान भाइयों कि आप लोग एक बार सेवा का मौका दीजिए, शरीफ भाई के नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे और आप यहाँ पे आके संपर्क भी कर सकते हैं या इनके नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो जितने भी किसान हैं सबने यही बताया है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, जी नंबर आप बोल दीजिएगा, भाई का नंबर है 99 83 जी 48 53 64, बुक करा लो मात्र 10,000 रुपये में आपकी पूरी मशीन बन के कम्प्लीट हो जाएगी, कम्प्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ पे आपको थ्रेसर बनवानी है, तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी बढ़िया लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।